हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ राम चौधरी। वेलकम टू आवर चैनल एच पी अकेडमी। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यूपी पुलिस 2018 में जो भर्ती आई थी 41,520 पद, जो 2018 में जनवरी में ये ऑनलाइन फॉर्म हुए थे। अब जो नई भर्ती आई है 49,568 पद है। तो दोनों भर्तियों में जाति प्रमाण पत्र कौन सी डेट का लगेगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कौन सा लेके जाएगा, ठीक है, यानी कौन सा लेके जाएगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आप कौन से जो प्रमाण पत्र बनवाया आपने पहली भर्ती के लिए वो लेके जाएंगे या फिर कौन सी डेट का लेके जाएंगे पहली बार, ये सब कुछ डिस्कस करेंगे। और क्या हम मूल निवास सबको बनवाना ज़रूरी है? ऐसा होता है जनरल वाले मूल निवास नहीं बनवाते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे और आपको बिल्कुल क्लियर डिस्कस करेंगे इसमें, क्योंकि नोटिफिकेशन आया हम उसमें से ही आपको पूरा विश्लेषण इसमें बताएंगे, ठीक है। और सारे दोस्तों, मैंने इसीलिए इस वीडियो को बनाया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये कमेंट आ रहा था कि सर डॉक्यूमेंट में जाति कौन सा ले जाएं जब हम वेरिफिकेशन कराएं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएं। और 62,000, जैसे कि आपको पता है 62,000 से अधिक आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं, तो इसीलिए इस वीडियो में हम सारी बातें डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें पॉइंट आता है पहला कि मूल निवास प्रमाण पत्र किन किन को और कब तक का बनवाना पड़ेगा, और पॉइंट नंबर सेकंड है जाति प्रमाण पत्र किसको और कब तक का बनवाना पड़ेगा, ठीक है। और पॉइंट नंबर थर्ड है जाति प्रमाण पत्र कौन सा प्रारूप मान्य रहेगा, और पॉइंट नंबर फोर्थ है जो कि फॉर्म भरते समय किस चीज़ का ध्यान रखा जाए, क्योंकि अब जो है भर्ती जो अब जो चल रहे हैं फॉर्म, उस भर्ती में आप कौन सा किन किन चीज़ों का ध्यान रख सकें, क्योंकि ऐसा होता है कि आप को कुछ नहीं पता होता, क्योंकि आप तो बस साइबर कैफे पे जाकर फॉर्म भरवा देते हैं और कुछ ऐसा है कि वो जल्दी जल्दी में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। इसीलिए आपको क्या क्या चीज़ें हैं वो आपको ध्यान बरतनी है, वो चीज़ें हम इसमें बताएंगे। और सबसे लास्ट पॉइंट है और ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो ये है सबसे बड़ा डाउट, ठीक है, इसको डिस्कस करेंगे। तो चलिए, डिस्कस करने से पहले दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि आने वाले वीडियोस आपको सबसे पहले मिलेंगे हमारे इस चैनल के माध्यम से। तो यहाँ पर देखिए, ये जो है आप देख रहे हैं ये नोटिफिकेशन है। तो इस नोटिफिकेशन में ये नोटिफिकेशन है, देखिए 16 नवंबर 2018 को आया है, जो कि आपकी नई भर्ती 49,568 के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हम देखेंगे कौन सा जाति प्रमाण पत्र लगेगा। तो यहाँ पर देखिए, पढ़ने का आप जाएंगे पेज नंबर 11 में, पेज नंबर 11 में जाते हुए आपको देखने का मिलेगा पॉइंट नंबर ग। पॉइंट नंबर ग में देखिए, आरक्षण एवं अधिकतम आयु सीमा में छूट के दावे संबंधी, और यहाँ पर देखिए फर्स्ट में क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र वर्ष 2018 में, किंतु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक निर्गत होना चाहिए। मतलब मूल निवास जो है आपका 2018 का ही होना चाहिए, और वो कौन सी डेट तक होना चाहिए, जैसा कि इसकी फॉर्म की डेट है 8 दिसंबर, तो 8 दिसंबर तक आपका होना चाहिए, ठीक है। तो इसमें देखिए, अब आपको क्या पता चलता है, जैसे कि आप देखते हैं हम जो दूसरी भर्ती, जो पहली भर्ती आई थी हमारी जनवरी में, उसका नोटिफिकेशन देखते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ था, ठीक है। देखिए ये देख लीजिए, ये दूसरी भर्ती है, दूसरी भर्ती में 14 जनवरी को ये नोटिफिकेशन आया था, है ना। तो यहाँ पर अब देखिए चले जाते हैं हम, अब देखिए यहाँ पर अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना, जो कि पेज नंबर 10 में है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब आपको पता चलेगा, देखिए ग में ही है ये, इसमें भी इसमें सिर्फ ये लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए, है ना। इसमें क्या लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र ही होना चाहिए बस, ठीक है। इसमें कोई डेट नहीं दी हुई है। इसमें आपको क्या करना है, जो पहले स्टूडेंट्स हैं, जो अभ्यर्थी हैं, उनको क्या करना है, जिनके पास मूल निवास है 2018 का, कौन से कर 2018 का मूल निवास है, वो इसे बिल्कुल मान्य माने, ठीक है। तो इसमें कोई उन्हें संदेह नहीं होना चाहिए। और देखिए, और मैं आपको एक डिस्कस करा देता हूँ, जाति प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। चलिए पॉइंट नंबर सेकंड पहले देखते हैं, ठीक है, उसके बाद में हम आपको ये भी सारी जानकारी देंगे, ठीक है। अब यहाँ आप क्या समझे,
पहली बात तो ये है, देखिए मूल निवास के पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको क्लियर करा देता हूँ। देखिए जाति निवास जो, देखिए सॉरी मैं जाति कह गया हूँ, मूल निवास। मूल निवास में क्या है कि आपको कौन सी डेट का रखना है, 2018 का, ठीक है 2018 का होना ही होना चाहिए। अब वाले अब जो आया है, अब जो 49,568 इसमें होना ही होना चाहिए। और पहले वाली भर्ती में जैसा कि आपको जनवरी वाले जो नोटिफिकेशन में था उसमें क्लियर ये लिखा हुआ है, बस आपके पास मूल निवास होना ही होना चाहिए। क्या चाहिए? मूल निवास होना ही होना चाहिए, बस उसमें ये लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि उसमें एक अच्छा पॉइंट नंबर सेकंड क्या है, जाति प्रमाण पत्र को किसको और कब तक का बनवाना पड़ेगा। तो देखिए जाति प्रमाण पत्र की बात कर लेते हैं हम, किसको और कब तक बनवाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर पहली वाली वैकेंसी में जाते हैं, पहले वाला जैसे कि आप देख रहे हैं, देखिए अब जो आई है 16 नवंबर 2018 को जो नोटिफिकेशन है उसमें क्या लिखा हुआ है, उसमें लिखा हुआ है दोस्तों, उसमें लिखा हुआ है देखिए पॉइंट नंबर ग में, यहाँ पर देखिए मूल निवास की है। अब सेकंड आ जाइए, सेकंड पॉइंट है अन्य पिछड़े वर्ग ओबीसी के लिए जाति प्रमाण पत्र राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रारूप एक के लिए होना चाहिए और 1 अप्रैल 2018 या उसके बाद, किंतु इस भर्ती प्रक्रिया निर्धारित आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। तो मतलब जो है 1 अप्रैल से लेकर के 1 अप्रैल 2018 के बाद में आपका जाति प्रमाण पत्र बना होना चाहिए और 8 दिसंबर तक होना चाहिए, ठीक है ओके। तो इसमें क्या है ओके, तो यहाँ पर देखिए आपको ये डिस्कस क्लियर हो चुका होगा कि 1 अप्रैल 2018 से होना चाहिए और 8 दिसंबर तक आपका मूल निवास होना, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है। अब क्या है, अब जो डॉक्यूमेंट आपने ये देख लिया जाति प्रमाण पत्र, अब आपको अब हम दूसरी भर्ती में देखते हैं जो पहले आई थी 41,520, उस भर्ती में जाति प्रमाण पत्र कौन सी डेट का मांगा था, ठीक है, और कौन सा, अब वही लेके जाना है आपको, जो स्टूडेंट्स अब इसमें पास हो जाएंगे उन स्टूडेंट को वही लेके जाना है जो डेट के अंडर में है, जैसे कि 1 अप्रैल 2017 के में, देखिए ये है 14 जनवरी 2018, ठीक है। अब इसका देखिए मैं आपको बिल्कुल क्लियर करा देता हूँ, इसमें सेकंड पॉइंट देखिए, अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र राज्य द्वारा निर्धारित प्रारूप 1 अप्रैल 2017 या उसके बाद का, किंतु इस भर्ती प्रक्रिया हेतु आवेदन की अंतिम तिथि तक होना चाहिए। तो आपका इसमें क्या होना चाहिए, 1 अप्रैल से लेकर के 2017 और 2017 और उसकी जनवरी के, जो जनवरी में आए थे फॉर्म आए थे और जो लास्ट डेट थी उस तक आपका फॉर्म जो जाति प्रमाण पत्र होना ही चाहिए, ठीक है। वही डेट वाला आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में ले जाना है, जहाँ पर आप फिजिकल के लिए जाओगे वहाँ पर आपको वही लेके जाना है, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ठीक है दोस्तों। और थर्ड देखिए, जाति प्रमाण पत्र का कौन सा प्रारूप मान्य रहेगा, ठीक है, तो वो चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। जाति प्रमाण पत्र का प्रारूप जो है, प्रारूप यही मान्य रहेगा, ठीक है, जो पिछड़े वर्ग है, अन्य पिछड़े वर्ग, नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर के बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए नॉन क्रीमी लेयर वो होते हैं जो कि 8 लाख से उनकी आय कम होती है, ठीक है, क्या होती है, 8 लाख से कम आय, और जिनके 8 लाख से ज़्यादा आय होती है वो क्रीमी लेयर में आते हैं और उनको कोई आरक्षण नहीं मिलता है, इसीलिए उन्हें क्रीमी लेयर बोलते हैं, ठीक है। तो आप सभी समझ गए होंगे, तो प्रारूप के बारे में मैंने आपको बताया था। फॉर्म भरते समय आपको किस चीज़ का ध्यान रखा है जाएगा, तो देखिए फॉर्म भरते हुए आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप फॉर्म भरवाएं तो आप अपने सामने ही भरवाएं, ठीक है, क्योंकि फॉर्म अप्लाई करते हुए ऐसा नहीं होता है, ऐसा हो जाता है कि कभी कभार क्या है कि जब साइबर कोई साइबर कैफे पर कोई फॉर्म भरता है तो उसकी जगह KUMAR है, तो KUAMAR मतलब टाइप हो जाता है, बाई डिफॉल्ट हो जाता है, ह्यूमन एरर है ये, तो ठीक है। तो इसीलिए ऐसी चीज़ें ना हो जिससे कि आपको आने वाले टाइम में आपको ये दिक्कतों का सामना करना पड़े, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखें, नाम और जो नाम वगैरह सभी जो डिटेल्स डलवानी है आपको, वो सारी डिटेल्स आपको हाई स्कूल के और आपने शिक्षण मतलब जो आपके डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल उसी के नाम वगैरह वो लिखवाने हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा डाउट क्या है कि कौन सा आपको लेके जाना है,
या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको कौन सा लेके जाना है जाति प्रमाण पत्र, तो मैंने आपको बता दिया जाति प्रमाण पत्र आपको वही लेके जाना है 1 अप्रैल 2017 के बाद में 2000 जो जनवरी जो आपके एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म हुए थे उसकी लास्ट डेट थे उस तक आपको ये लेके जाना है, ठीक है। उसके बीच में आपने जो जाति प्रमाण पत्र बनवाया है वही लेके जाना है, ये नहीं है कि आपने अब भी बनवा लिया जाति प्रमाण पत्र तो इसको लेके जाओ, ये नहीं चलेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना है। ये कुछ स्टूडेंट्सों के अंदर है कि हमने अब बनवा लिया लास्ट डेट, जैसे अब इस भर्ती के लिए बनवा रहे हैं उसी को लेके चले जाएँ, ये नहीं चलेगा, ठीक है, क्योंकि ये जो है आपका इस भर्ती के लिए है, क्योंकि ऐसा होता है कि क्रीमी लेयर और नॉन क्रीमी लेयर का जेंडर हो जाता है इसीलिए, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।